हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, नी एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट फ्रॉम चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे नी पेन इन समर्स। समर्स में नी पेन क्यों होती है और उसको रोकने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। नी पेन हमारे मल्टीपल फैक्टर से होती है, मोस्ट कॉमन बीइंग ओवर यूज, इंजरीज या एज रिलेटेड। गर्मियों में हमारी वाटर कंटेंट और इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट ऑफ बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, लेस वाटर इनटेक एंड डिहाइड्रेशन। सो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होता है डिहाइड्रेशन और मसल क्रैम्प्स। इनएडिक्वेट वाटर इनटेक होने के कारण या गर्मी में ज़्यादा देर चलने फिरने के कारण या एग्जर्शन करने के कारण वी लूज वाटर एंड हमारी मसल सोरनेस हो जाती है एंड दे गेट क्रैम्पी। उसके कारण वी हैव नी इंजरीज, समटाइम्स मसल एकदम से गिव वे करती है और हम गिर जाते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नी पेन एंड नी इंजरीज इन समर्स। सो कैसे हम इसको रोक सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है प्रॉपर हाइड्रेशन। वी नीड टू ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। सेकेंड, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। हम नींबू पानी, शिकंजवी और इलेक्ट्रोलाइट्स रेगुलर बेस पर लें ताकि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। नंबर थ्री, एक्सरसाइज कब करें, कहाँ करें और कैसे करें। गर्मी में अगर आप सुबह 8 बजे पार्क में एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक गर्म एटमोसफेयर में यू स्वेटर लॉट, आपका स्टैमिना भी कम होगा एंड यू हैव मोर टेंडेंसी फॉर इंजरीज। सो डू इन अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। टेम्परेचर रेंज 25 से 30 डिग्री। बहुत ज़्यादा वार्म या हॉट एनवायरनमेंट पे वॉकिंग या एक्सरसाइजेस मत करिए एंड टेक लॉट्स ऑफ वाटर विद यू व्हाइल यू आर एक्सरसाइजिंग। एंड लास्टली, रोल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन। गर्मियों में बहुत कॉमनली हम एक गलती करते हैं कि मौसम गर्म है, बॉडी थोड़ी वार्म्ड अप ही है, वार्म अप की ज़रूरत नहीं है, लेट्स डायरेक्टली जंप टू एक्सरसाइजेस। वेल, वहाँ पे गलती है। जो आपका रेगुलर वार्म अप रिक्वायर्ड है वो चाहिए। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है इररिस्पेक्टिव कि बाहर टेम्परेचर 10 डिग्री है या 45 डिग्री है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर वही है। एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करके उसके मेटाबॉलिक रेट को स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है। सो डोंट स्किप योर वार्म अप बिफोर एक्सरसाइज इन समर्स एंड एट द सेम टाइम कूल डाउन करना भी उतना ही ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल एंड अप हैविंग मसल क्रैम्प्स एंड मसल टेयर्स। सो फ्रेंड्स, प्रॉपर टेम्परेचर पे एक्सरसाइज करें, प्रॉपर वार्म अप करें, कूल डाउन करें, हाइड्रेशन मेंटेन करें और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स रेगुलरली लें। इस सब के अलावा जब भी आपको मसल पेन्स हो रही हैं, नी पेन हो रही है, आइस पैक्स यूज़ करें, प्रॉपर करेक्ट तरीके से एक्सरसाइज करें और प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ करें। ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप समर्स में बिना नी पेन के रेगुलर एक्सरसाइज से टाइम निकाल सकते हैं। सो थैंक यू। इसके अलावा और कुछ आप इस स्पेसिफिक टॉपिक पर हमसे जानना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पर आप व्हाट्सएप करिए या हमें ईमेल करिए। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। Thank you.